संविदा स्वास्थ्य कर्मी एक बार फिर नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मुख्यालय पर सीएमएचओ कार्यालय परिसर में स्वास्थ्य कर्मियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बुधवार को 4 स्वास्थ्य कर्मियों ने 10 घंटे का उपवास किया। यहां एकत्रित स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया है। प्रदेश सरकार के रवैये से नाराज संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आंदोलन कर सरकार को जगाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। आप रूपरेखा तैयार की गई और किस प्रकार से पूरा इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे, क्या रहे? जी, आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का दूसरा दिन है जिसमे की हम क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। हर दिन 4 से 5 कर्मचारी हमारे भूख हड़ताल पर रहेंगे। आज मैं और मेरे दूसरे 4 साथी हड़ताल पर है, भूख हड़ताल पर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक हमारा यही जो क्रम है वो चलता रहेगा। और साथ ही दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में हमारा जो है वो ट्विटर पर अभियान चलेगा, जिसमें कि हमारे जिले के खरगोन जिले के 980 कर्मचारी एक साथ ट्वीट करेंगे, जिससे कि ट्रेंड के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांगे जो है वो बिल्कुल जायज़ है और उन्हें जब तक पूरा नहीं किया जाएगा हम इसी तरह से हमारा जो क्रम है वो लगातार जारी रखेंगे। क्या नाम है? दीपिका पाटीदार। पर हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल पर है, भूख हड़ताल पर हम बहुत मजबूरी में उतरना पड़ रहा है। हमें भूखे रह के तपस्या कर रहे हैं, हम लोग शासन प्रशासन को मना रहे हैं। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन द्वारा जो हम लोगों की मांगे जायज मांगे उनका अनदेखा किया जा रहा है। पिछली बार का आंदोलन भी हम लोगों ने 22 दिन का आंदोलन किया था, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों को 1 महीने के अंदर पूर्ण कर दिया जाएगा। पर 1 महीने का अवधि बीतते हुए 3 महीने हो गए, आज तक शासन प्रशासन ने हमारी मांगों जायज मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए मजबूरी में हम लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है। हम वही संविदा कर्मचारी, स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी है जिन्होंने कोविड काल में, कोरोना काल में शासन प्रशासन से कंधा मिला के साथ दिया है। हम वही संविदा कर्मचारी हैं जिन्होंने शासन के हर टारगेट को पूरा किया है, टीकाकरण से लेकर शासन की हर जो जनहित सुविधाएं जो शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग में लागू की जाती है उन्हें जमीनी स्तर पर पूरा करने का काम हम लोगों द्वारा किया जाता है। तो हम लोगों की मांग है कि हम लोगों का जो नियमितीकरण है वो किया जाए, नियमितीकरण ना हो जब तक 5 जून 2018 की नीति लागू की जाए। और पिछले आंदोलन में जो हमारे साथी थे जो ज्ञापन देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जी को गए थे तो उन्हें गलत रूप से उनके ऊपर आरोप लगाते हुए उनको जेल कर दी गई थी, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ की गई जो पूर्ण रूप से अन्यायपूर्ण है। तो हम लोग उसका भी विरोध करते हैं कि वो पूरी जो उनके ऊपर जो धाराएँ लगाई गई है, जो शासन ने जो उनके ऊपर केस दर्ज किए हैं वापस के लिए जाए। आज कोई ट्वीट भी करने वाले हैं, किस प्रकार की ट्वीट अभियान चलाया जा रहा है, किस प्रकार? बिल्कुल, 3 से 4 में पूरे प्रदेश में 32,000 कर्मचारी, 52 जिलों के सभी कर्मचारी हम लोग एक साथ एक ट्विटर अभियान चलाएंगे। उसमें रिट्वीट भी होगा, सारी चीजों की शासन प्रशासन को हम लोग संदेश पहुँचाएंगे हमारा इस सोशल मीडिया के माध्यम से, हर तरफ से आप लोगों के माध्यम से, चूँकि आप लोग मीडिया कर्मचारी, मीडिया बंधु जो है चौथा स्तंभ है। तो हम लोग आपसे भी उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन को हमारी मांग जो है मजबूती के साथ आप लोग रखें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।